जनपद संभल के चंदोसी में वाषणे महिला वेलफेयर समिति की पुस्तक महिला जागृति पत्रिका के विमोचन में पहुंचे जिलाधिकारी। जनपद संभल के चंदोसी में सीता रोड स्थित झुन्नीलाल धर्मशाला में आयोजित नववर्ष के अवसर पर वाषणे महिला वेलफेयर समिति चंदोसी की पत्रिका महिला जागृति पत्रिका का विमोचन बड़े ही धूमधाम से सीता रोड स्थित झुन्नीलाल धर्मशाला में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री गणेश एवं अखरोट जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलन करके गणेश वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संभल जिलाधिकारी अविनाश किशन सिंह एवं विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा एवं श्रीमती मंजू दिलेर, नवरतन वाषणे, मीनू वाषणे, नीलांशु वाषणे, कौशल किशोर, पवन वाषणे, संध्या वाषणे, महिला जागृति पत्रिका का प्रकाशन समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर वाषणे वेलफेयर समिति के सेवा कार्यों को पूरी हुई प्रशंसा की गई। प्रोग्राम के बीच बीच में केके डांस अकेडमी के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम उपस्थित किए, जिसमें गणेश वंदना, स्वर्णा, मंशा, आराध्या, मोली, दिव्या, लाडो एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत की, जिसमें वैष्णवी, आराध्या, आरोही, कावेरी, सुहानी, अधिशिका आदि ने प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष लता वाषणे ने एवं संचालन हेमलता एवं अमित अपू ने किया। समिति सचिव रचना अग्रवाल ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने कहा कि वाषणे महिला वेलफेयर समिति ने अपनी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया था। ये संस्था महिला उत्थान के लिए कार्य करती आई है। इस दौरान लता वाषणे, रचना, ब्रजवाला, कल्पना, वीना, नैना, सुचि, बबीता, रेखा, अनु, रजनी, अनुराग, साधना, उमा, दुर्गेश, रजनी, MDS, रीमा, रितु, रेनू, गीता, रुचिका, निशी, बॉबी, भावना, कुमकुम, नीलम, पायल, भारती, अनुपम, TS, पॉल, सर्वेश, चीनी, प्रदीप कुमार आदि उपस्थित रहे। वाषणे महिला वेलफेयर समिति का हमारे प्रोग्राम है, वो हर कंटिन्यू हर साल होता है एनुअल प्रोग्राम, लेकिन इस साल उसकी तरफ से पत्रिका विमोचन भी हुआ है और एक ये बहुत अच्छी पत्रिका है जो आप लोग पढ़ोगे तो आपको भी शायद अच्छी लगेगी, ज्ञानवर्धक इसमें चीज़ें हैं। और हमारी समिति का हमेशा उद्देश्य यही रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करें, और हम करते भी हैं, काफ़ी कार्य समिति ने किए हैं, उसमें मेरी सारी बहनों का सहयोग रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आप महिला वेलफेयर कार्यक्रम में आप आए, इसमें क्या कहेंगे महिलाओं के लिए? मैंने महिला वाषणे महिला वेलफेयर समिति चंदोसी की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित था पुस्तिका विमोचन का, और ये उनका वार्षिक कार्यक्रम है, इसमें हमें भी आमंत्रित किया था। ये बहुत अच्छा है, हर साल जो है महिलाओं के बीच में शिक्षा का, सांस्कृतिक विरासत का, लोगों के बीच में अवेयरनेस का, हेल्थ सेक्टर का हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें ये समिति बहुत अच्छा काम करती रही है। मैं इनके पदाधिकारियों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।